गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, जी क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट जीके। टुडे वी स्टडी चैप्टर थर्ड, मिथ्स एंड मिथोलॉजी। मिथ्स यानी कल्पनाएं, मिथोलॉजी मीन्स होता है पौराणिक कथाएं। रीड द फॉलोइंग एंड राइट द नेम ऑफ दीज मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आपको रीड करना है और राइट करना है, फिर पढ़ना है और लिखना है नाम किसका, जो मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। यानी मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स मीन्स होता है भूमिका निभाने वाले पात्र, ठीक है। दिस मिथिकल बीइंग लुक्ड लाइक हॉर्स, इट हैड ए हॉर्न दैट स्टक आउट ऑफ इट्स हेड। यह कहा जाता है, मतलब यह मतलब कल्पना है कि यह घोड़ी जैसा दिखाई देता है, इसके एक सींग होता है जो कि इसके सिर से बाहर निकला हुआ होता है। वो कौन है? यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न एक ऐसा घोड़ा होता है जिसके सिर पर सींग निकला हुआ होता है। इन एंशियंट ग्रीक मिथोलॉजी He was the king of god. ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक की पौराणिक कथाएं हैं, उनके अनुसार यह देवताओं का राजा है। प्राचीन समय में ग्रीक जो मैथोलॉजी है उसमें ये कहा जाता है कि यह देवताओं का राजा है। इन एंशियंट ग्रीक मैथोलॉजी ही वॉज द किंग ऑफ गॉड। वो कौन है? वो हैं जीउस। ये जीउस हैं जो कि ग्रीक मैथोलॉजी में किंग ऑफ गॉड, देवताओं के राजा कहलाते थे। क्लियर। थर्ड, दिस बर्ड इज सेड टू बी बॉर्न फ्रॉम इट्स ऑन एशेज। यह कहा जाता है कि यह जो बर्ड है ये अपनी खुद की एशेज से बनता है। इट्स लुक लाइक एन ईगल, और यह एक ईगल जैसा दिखाई देता है। ये कौन है? इसको बोलते हैं फिनिक्स। फिनिक्स बर्ड होता है वो, PHOENIX। फिनिक्स ये बर्ड है जो ईगल जैसा दिखाई देता है। क्लियर। फोर क्वेश्चन, दिस हाफ फिश एंड हाफ ह्यूमन फिगर। ये आधी मछली जैसी और आधी ह्यूमन जैसी होती है फिगर में, बनावट में, शारीरिक बनावट में। फिगर मीन्स होता है शारीरिक बनावट। वाज सपोज टू लूअर अवे ह्यूमन विद देयर सिंगिंग। लूअर मीन्स होता है लुभाना, जो कि लुभाती है ह्यूमन्स को अपने गीतों के द्वारा। तो ये क्या कहलाती है? मरमेड, MERMAIDS, मरमेड्स। मरमेड्स मीन्स होती है मत्स्य कन्याएं। क्लियर। फोर्थ, फिफ्थ, दीज मिथिकल बीइंग आर मोस्टली फाउंड इन चाइनास टेल्स। ये जो कहानियां हैं, मतलब काल्पनिक कहानियां हैं, ये ज़्यादातर चाइना की कहानियों में मिलती हैं। दे ब्रीथ फायर, ये फायर का ब्रीथ करती हैं। ये क्या कहलाती हैं? ड्रैगन। क्या कहलाती हैं? ड्रैगन। क्लियर। ये है ड्रैगन। क्लियर। सिक्स नंबर, इन हिंदू मैथोलॉजी ही वॉज द किंग ऑफ देवास। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ये देवताओं के राजा हैं। तो आप सभी को पता है देवताओं का राजा कौन है हमारे यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में? आप सभी को पता है इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र हैं, जो कि बारिश करते हैं। क्लियर। ये हैं देवताओं के राजा इंद्र। क्लियर। देन इन इंडियन मैथोलॉजी ही वॉज द किंग ऑफ लव। इंडियन मैथोलॉजी में ये गॉड ऑफ लव हैं, प्यार के देवता हैं, प्रेम के देवता हैं। वो कौन है? कामधोर, मीन्स क
कामदेव। कामदेव हैं वो क्या हैं, गॉड ऑफ लव हैं, ये हैं कामदेव। क्लियर, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ कामदेव। क्लियर। नेक्स्ट 8 नंबर, दिस ग्रीक हीरो वॉज किल्ड व्हेन एन एरो प्रेड हिज हिल। यह ग्रीक हीरो है, ग्रीक यानी यूनानी हीरो है, जो कि मारा गया व्हेन एरो पैरेड हिज हिल, जब एरो इसकी हील पर, पैरेड मीन्स होता है चलाना, तीर छोड़ते हैं ना, एरो मीन्स होता है छेद करना, तीर से छेद मतलब छिद्रित हो जाना, तीर से छिद्रित हो जाना। जब यह ग्रीक हीरो मारा गया जब इसके हील पर तीर से छिद्रित किया गया, इसकी हील को तीर से छेदित किया गया, तो वो कौन थे, एकिलीज, ACHILLES, एकिलीज। क्लियर। 9 नंबर, दिस वॉज द ब्यूटिफुल विंग्ड हॉर्स इन ग्रीक मीथ। ग्रीक मीथ के अनुसार, ग्रीक काल्पनिक कल्पनाओं के अनुसार, यह एक सुंदर पंखों वाला घोड़ा है। ये कौन है, ये रहा, दिस इज द ब्यूटिफुल विंग्स हॉर्स, इट इज कॉल्ड पेगारस। पेगारस यानी होता है सुंदर पंखों वाला घोड़ा, और वैसे पेगारस मीन्स होता है कवि की कल्पनाएं, उड़ने वाला घोड़ा वो कवि की कल्पनाएं भी होते हैं। क्लियर। पेगारस, PEGARUS। क्लियर। ही वॉज ए ग्रेट किंग, वह एक महान राजा था, हु वंस रूल्ड इन ब्रिटेन, जिसने एक बार ब्रिटेन पर शासन किया। ही हैड ए राउंड टेबल, उसके पास एक राउंड गोल टेबल थी, वेयर जहाँ पर ही वॉज, वह ही एंड हिज 11 ब्रेवेस्ट, 11 बहादुर नाइट्स यानी होते हैं सूरवीर योद्धा सेट। तो यह एक राजा था, ग्रेट किंग था, महान राजा था, जिसने ब्रिटेन पर राज्य किया था, और इसके पास एक गोल्ड टेबल थी जिस पर इसके 11 ब्रेवेस्ट नाइट्स सेट यानी बहादुर शूरवीर योद्धा बैठा करते थे। तो वो क्या था, वो थी किंग आर्थर, किंग आर्थर, ये है किंग आर्थर। दिस पिक्चर इज किंग आर्थर। क्लियर चिल्ड्रन, आप इनकी स्पेलिंग्स भी लिख लीजिए, UNICORN, यूनिकॉर्न्स मीन्स होता है एक सिंग वाला घोड़ा। क्लियर, जिसके सिर पे सिंग होता है। GEUS, जीयूस, GEUS, जीयूस, जीयूस कौन है, ग्रीक मैथोलॉजी के अनुसार ये क्या है, किंग ऑफ घोड़े हैं। क्लियर। 3rd नंबर में लिखिए PHOENIX, फिनिक्स। फिनिक्स कौन है, एक ऐसा बर्ड है जो अपनी ऐसे ही बॉर्न होता है और कैसा लगता है, ईगल जैसा, लुक लाइक एन ईगल। क्लियर। 4 नंबर पे लिखिए MERMAIDS, मरमेड्स। मरमेड्स मीन्स मत्स्य कन्याएं, जिनकी हाफ बॉडी कैसी होती है, हाफ फिश एंड हाफ ह्यूमन फिगर, ओके, दीज आर मरमेड। ड्रैगन, DRAGON, DRAGON, ड्रैगन। क्लियर। ड्रैगन कौन है, ड्रैगन मिथोलॉजिकल, मिथिकल्स क्या है ड्रैगन की, काल्पनिक कहानियाँ क्या है, कल्पना क्या है इसकी, कि चाइना की जो स्टोरीज होती है उनमें होती हैं। क्लियर। और किंग ऑफ देवास, INDRA, इंद्रा, INDRA। गॉड ऑफ लव कौन है, KAMDOR, KAMADEVA, कामदेव लिख लीजिए आप, KAMADEVA,
क्लियर। यहाँ लिखा हुआ मैंने के ए एम ए डी ई वी कामदेवा या कामदोर के ए एम डी ओ आर क्लियर। नेक्स्ट है ग्रीक हीरो जो कि एरो से किल हुआ था वो कौन है, एकिलीज ए सी एच आई डबल एल ई एस ए सी एच आई एल एल ई एस एकिलीज क्लियर। ब्यूटीफुल विंग हॉर्स कौन है, पैगारस पी ई जी ए आर यू एस पैगारस पी ई जी ए आर यू एस पैगारस क्लियर। एंड लास्ट कौन सा किंग है, द ग्रेट किंग हु वंस रूल्ड इन ब्रिटेन एंड ही हैड ए राउंड टेबल वेयर हिज 11 ब्रेवेस्ट नाइट्स सैट किंग के आई एन जी किंग ए आर टी एच यू आर आर्थर ए आर टी एच यू आर किंग आर्थर। चिल्ड्रंस यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दिस एंड राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक एंड यू शुड ऑल्सो लर्न दिस क्वेश्चन आंसर। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे।